नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। प्रिय मित्रों, एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति मेरे फेसबुक के नंबर से कॉल करते हैं मुझे, उन सब से मैं कहना चाह रहा हूं, आप लोग मेरे से मदद की उम्मीद करते हैं। मेरे भाइयों, अगर यदि मेरे पास किसी तरह का कोई साधन रहता, सरकारी मशीनरी का कोई पावर रहता, तो शायद मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से निवेदन क्यों करता कि वो लोग आपकी मदद करें। ना ही हमारी पार्टी का कोई सांसद है अभी, ना ही कोई विधायक है, ना ही किसी तरह की कोई फंडिंग है। यदि मेरे पास रहता तो निश्चित ही मैं आप लोग की मदद करता। तो आप लोग से अपील कर रहा हूं कि कृपया फोन ना करें, और यदि करना ही है, फोन मेरे से संपर्क करना है, तो दोपहर 3 बजे से लेके रात्रि के 9 बजे तक हर एक व्यक्ति का मैं फोन रिसीव करूंगा। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि दोपहर 3 बजे से लेके और रात्रि 9 बजे रात्रि तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं और हर व्यक्ति का मैं कॉल रिसीव करूंगा। दूसरी चीज, केजरीवाल सरकार से, दिल्ली सरकार से और बिहार सरकार नीतीश कुमार जी से, दोनों से निवेदन है कि दिल्ली में जो फंसे हुए लोग हैं उनको कृपया घर भेजने का सरकार जल्द से जल्द निर्णय ले, क्योंकि दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बिहार के, यूपी के, झारखंड के लोग फंसे हुए हैं। और दिल्ली से अभी तक तो सरकार को चाहिए कि आप लोग की मदद करे, इसीलिए सरकार का मैं विरोध करता हूं और जगाने का काम कर रहा हूं सरकार को। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबसे ज़्यादा यदि कहीं से मेरे पास कॉल आता है तो गुजरात से आता है, कर्नाटक से आता है, तमिलनाडु से आता है, यहाँ तक के बंगाल के लोग भी काफ़ी मात्रा में कॉल मुझे करते हैं। ममता दीदी से भी प्रार्थना है कि जो बंगाल के लोग बाहर फंसे हुए हैं, कृपया इस विपदा की घड़ी में आप उनको सुविधा उपलब्ध कराएं ताकि वो अपने अपने घरों को लौट जाए। और जब लॉकडाउन खुलेगा तो सभी व्यक्ति, एक चीज मैं आप लोग से, सभी देश के मजदूरों से कहना चाह रहा हूं कि इस बुरे समय के अंदर, लॉकडाउन के अंदर, आप जिन जिन कंपनियों में काम करते हैं, जो कंपनियां आपका साथ इस बुरे टाइम के अंदर दे रही है, उस कंपनी का कभी साथ मत छोड़ना। और जो कंपनी आपको इस बुरे टाइम के अंदर साथ नहीं दे रही है, आपको रोटी नहीं दे रहा, आपको राशन नहीं दे रहा, आपको वेतन नहीं दे रहा, जो कंपनियां आपको इस बुरे टाइम के अंदर साथ नहीं दे रही हैं, आप कसम खा लो कि उन कंपनियों के अंदर कभी काम नहीं करोगे, क्योंकि उनकी औकात यदि आप दिखाओगे तभी आने वाले भविष्य के अंदर वो किसी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे। और जिस तरीके से केंद्र की सरकार, जिस राज्य की सरकार, जो सांसद, जो विधायक इस बुरे टाइम के अंदर, जिस पंचायत का मुखिया, बिहार में मुखिया कहते हैं आपको, यूपी में प्रधान कहते हैं, वो प्रधान यदि इस बुरे टाइम के अंदर आपको साथ नहीं दे रहा है, तो ऐसे नेताओं को उनकी औकात बताने का पावर यदि किसी के पास है तो वो इस देश की जनता के पास है। तो अपने पावर का कभी लालच में आके दुरुपयोग मत करना। ऐसे जो पावर आपको वोट बैंक का दिया हुआ है, वोट का अधिकार, किसी भी नेता को आप चाहें तो आसमान में चढ़ा सकते हैं और आप चाहेंगे तो उसको जमीन के फर्श के नीचे ऐसा गिरा देंगे कि पता ही नहीं चलेगा। तो जो सरकारें अभी इस टाइम के अंदर आपके साथ नहीं दे रही है, जो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री आपके साथ नहीं दे रहा है, जो मंत्री साथ नहीं दे रहा है, जो विधायक साथ नहीं दे रहा आपके क्षेत्र का, आपके क्षेत्र का सांसद आपका साथ नहीं दे रहा है, आपका प्रधान आपके साथ नहीं दे रहा है, आपका मुखिया आपको साथ नहीं दे रहा है, वैसे व्यक्तियों की औकात
आप लोग बताने का आगे भविष्य में काम रखेंगे, इस चीज का आज प्रण ले लेना। ये कहने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आपको बताऊं तेलंगाना, हैदराबाद, महाराष्ट्र, पंजाब, लुधियाना, नोएडा, मतलब क्या कहूं, हिंदुस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां से मेरे पास अभी तक कॉल नहीं आया हो। और मैं हर दिन वीडियो बना के सरकार को जगाने का काम करता हूं। और आप सब जानते हैं, फिर से याद दिला रहा हूं आपको कि भारतीय मित्र पार्टी आम जनता की पार्टी है, गरीब और मजदूर की पार्टी है ये। और यदि आपकी आवाज पूरे भारत में किसी ने बुलंद करने का काम किया है तो वो सबसे पहले भारतीय मित्र पार्टी ने किया है। आप सबको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों को मोमबत्ती जलाने का कहा था तो यहां तक बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, विपक्ष की पार्टी आरजेडी, उसने भी लालटेन जला के, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था। और यदि किसी ने विरोध किया पूरे भारत में पहला शख्स, तो वो भारतीय मित्र पार्टी का आपका ये भाई धनेश्वर महतो ने विरोध किया, जिसकी मुझे पता नहीं कितनी हजारों की संख्या में जान से मारने की धमकी आई, इसकी कोई वो नहीं है। लेकिन मेरा जीवन इस देश के गरीब मजदूरों के लिए है, और आपकी लड़ाई मैं जब तक लड़ता रहूंगा जब तक आपका हक अधिकार। और एक चीज की सबसे बड़ी लड़ाई भारतीय मित्र पार्टी का एक उद्देश्य बन गया है, भारतीय मित्र पार्टी का गठन मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि जब भी बिहार की जनता और देश की, मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूं कि अभी कॉल ना करें, लेकिन आदमी मानते ही नहीं, कॉल बार बार कर दे रहे हैं तो वीडियो बनाने में डिस्टर्ब हो रहा है। मैं एक ही जीवन का फिर कह रहा हूं आपको, मकसद है कि बिहार के अंदर इतने उद्योग लगाए जाएंगे कि किसी भी बिहार के व्यक्ति को पलायन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मेरा प्रण है। और 10 साल के अंदर मैं सत्ता में आऊं नहीं आऊं ये तो एक दूसरी बात है, लेकिन 10 साल के अंदर बिहार में बहुत सारे उद्योग लगेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि सत्ता में आने के बाद ही होगा। सत्ता में आने से होता क्या है कि सरकारी मशीनरी जो है उसके पावर से काम बहुत तेजी से होता है। और यदि नहीं है आप सत्ता में, यदि आपका इरादा पक्का है और इरादा नेक है तो भी आप कुछ करके दिखाएंगे। और मेरा इरादा नेक है, मेरा इरादा पक्का है, मेरा इरादा अटल है, तो मैं आपको बिहार में उद्योग लगवा के दिखाऊंगा। ये मेरा जिंदगी का मकसद है। बिहार के लोगों का जितना अपमान अभी तक हो चुका है, अब ये अपमान बर्दाश्त नहीं है। एक चीज मुझे राज ठाकरे जी का, मुझे वैसे तो मैं उनको, जो उनके पार्टी का सिद्धांत है जो यूपी बिहार के लोगों के साथ भेदभाव वाला, मैं उनको पसंद नहीं करता, लेकिन एक टीवी चैनल पे आके राज ठाकरे साहब ने कहा था कि सबसे पहले जो बिहार के नेता हैं वो अपने राज्य को ही तरक्की पे ला दें तो ज्यादा बेहतर लगेगा। मैं इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं राज ठाकरे साहब का, अच्छी बात लगी। और ये हकीकत है, ये हमारे बिहार के, यूपी के तो प्रधानमंत्रियों की गिनती ही नहीं है कि कितने हमारे देश में प्रधानमंत्री बने। और ये भी सत्य है कि जितने यूपी बिहार के सबसे ज्यादा मंत्री केंद्र में बने हैं तो यूपी बिहार से बने हैं आज तक। लेकिन उसके बाद भी जो हमारे यूपी बिहार में तरक्की होना चाहिए, प्रोग्रेस होना चाहिए, वो नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे यूपी बिहार के नेता ज्यादातर वो प्रोग्रेस किए हैं
तो अपने घर परिवार का प्रोग्रेस बड़ी तेजी से किए हैं। इसी का कारण है खानदान की पार्टी बना के अपने खानदान का विकास करके वो बिहार और यूपी के झारखंड के लोगों का विकास नहीं कर पाए। और जो व्यक्ति अपने खानदान की चिंता करेगा तो दिक्कत है फिर देश की तरक्की में, तो ये भी समझना चाहिए। तो इसीलिए आप सबसे मैं अपील कर रहा हूं कि कृपया मेरे से जिस व्यक्ति को बात करना है वो व्यक्ति दोपहर 3 बजे से लेके रात्रि के 9 बजे तक बात करेंगे। मैं खुद कॉल उठाऊंगा आपका और आपसे डायरेक्ट बात करूंगा। और जो व्यक्ति ये आस लगा के बैठे हैं कि धनेश्वर महतो के पास कोई पावर है, किसी तरह की हमारी मदद कर सकता है, तो मैं आपकी आवाज सरकार से उठा रहा हूं। यदि मेरे पास किसी भी तरह का कोई फंडिंग होता या किसी तरह का कोई पावर होता, पावर उसके पास होता है जिसको जनता चुन के सत्ता देती है, सत्ता की चाबी देती है। जैसे नीतीश कुमार जी को आपने दे रखा है, प्रधानमंत्री जी को दे रखा है, तभी तो आप लोग को ये लोग नचाए हुए हैं उंगली पे, क्योंकि पावर आपने इन व्यक्तियों को दिया हुआ है। ये समझने की चीज है। आज यदि जिस हिसाब से लाखों के हिसाब से मेरे पास महीने में कॉल आया होगा, तो मैं यहीं से अंदाजा लगा सकता हूं कि कितने मेरे देश की जनता भोली भाली है और वो ये समझ नहीं पा रही कि ये पावर होता क्या है। इसीलिए वो व्यक्ति मेरे से मदद की आस लगा के बैठ गए हैं। उन व्यक्तियों को जानकारी नहीं है, इसी कारण से उसी का जनता को गुमराह करके ही भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक वोट बैंक की राजनीति की है। और जो भी पार्टी, आपको 2-3 बातें कह रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी तो एक सत्ता में है तो लोग उसी की बात करेंगे, लेकिन चाहे पार्टी कोई भी हो, जो जाति धर्म की राजनीति करेगा वो पार्टी कभी देश हित की बात कभी सोच नहीं सकती है, क्योंकि उसे पता है जाति धर्म के नाम पे हमें मत मिल जाता है तो हमें विकास करने की जरूरत क्या है। तो जो व्यक्ति सिर्फ देश की बात करे, हिंदू मुसलमान की बात ना करे, हिंदुओं में बात ना करे, और जो सिर्फ देश के विकास की बात करे, वैसे व्यक्ति का साथ दोगे तो देश का विकास होगा, आपका विकास होगा, आपके समाज का विकास होगा, तो हमारा देश विश्वगुरु कहलाएगा। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, सीताराम, माँ भगवती आप सबको सतबुद्धि दे, खास तौर से हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्रियों को सतबुद्धि दे, ताकि हमारे जो गरीब जनता मजदूर ये बाहर फंसे हुए ये सुरक्षित अपने अपने घरों को लौट सके। और जब लॉकडाउन खुले तो ये व्यक्ति जो कंपनियां इनकी मदद कर रही है उन कंपनियों के ऊपर, लास्ट में कह रहा हूं, उनको मेहनत से इतनी ऊंचाई पे आप पहुंचाएं। और जो व्यक्ति आपका साथ नहीं दे रहा है वैसे कंपनियों को भी बंद कराने का आप काम करें, ऐसा प्रण ले लीजिए। जय हिंद।